भोपाल का जामा मस्जिद संघ हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, बताइए कि भोपाल में क्या कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी रहेंगी। श्रुति, आज सबसे बड़ी खबर है भोपाल से कि महामहिम राष्ट्रपति आज अभी 11:30 बजे भोपाल आ रही हैं। एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव उत्कर्ष है, उसमें वो शामिल होंगी, उसका उद्घाटन करेंगी। लगभग 3 से 4 घंटे वो भोपाल में रहेंगी और 2 से 2.5 घंटे उस कार्यक्रम में रहेंगी। उस कार्यक्रम के बाद वो राज्यपाल भवन जाएंगी, वहां पर कुछ 1.5 घंटा उनका बीतेगा और तमाम चर्चाएं उनकी राज्यपाल से होंगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि भोपाल आने के बाद राष्ट्रपति लगभग 4 से 5 घंटे यहाँ रुकेंगे और 4:15-4:30 बजे वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। जिस कार्यक्रम में वो आ रही हैं, वो कला और साहित्य का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो पहली बार शिमला में हुआ था और दूसरी बार इसमें जो प्रस्तुतियां होंगी वो 500 से ज्यादा प्रस्तुतियां होंगी। तो ये कह लें कि ये कला साहित्य संस्कृति का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और ये अपने आप में भोपाल के लिए गर्व की बात है कि इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। दूसरी बात है कि कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है, जिसमें अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक नियुक्त कर दिए गए हैं। चुनाव है तो निश्चित ही कमलनाथ अभी दिल्ली गए थे, दिल्ली जाने के बाद ये निर्णय हुआ। तो जितेंद्र सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया गया और बाकी 3 लोगों को उसका सदस्य बनाया गया। अजय माकन को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से कांग्रेस में भी अब चुनाव को लेकर पूरी तरह से अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उस और बीजेपी की तरफ देखें तो बीजेपी भी 2023 का प्लान तैयार कर चुकी है और 2023 में वो सभी तरह से सभी मोर्चों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रीवा के दौरे पर है, वहां जाकर वो तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां के स्थानीय नेताओं से मिलेंगे। और अमित शाह आए थे, अमित शाह ने जो टिप्स दिए थे चुनाव की रणनीति के, उन टिप्स को वो साझा करेंगे और चुनाव की नई रणनीति बनाएंगे, आम जनता तक पहुंचाएंगे सरकार की योजनाओं को, सरकार की तमाम चीजों को, और पार्टी अपनी स्ट्रेटजी के साथ तमाम क्षेत्रों में काम करेगी। खासतौर से आज बीडी शर्मा रीवा में है। तीसरी बड़ी खबर है पंचायत सचिवों को लेकर। पंचायत सचिव काफी समय से लामबंद थे, हड़ताल पर रहे कई बार और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। तो इस बार मुख्यमंत्री ने उनका सम्मेलन बुलाया है, आज मुख्यमंत्री उसको संबोधित करेंगे। उनकी बहुत सारी मांगों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मोहर लगाएंगे। ये कह लें कि उनको वेतनमान से जुड़ी मांगे जो उनकी थी, खासतौर पर उन पर आज हामी भरी जाएगी। साथ में स्वास्थ्य बीमा को लेकर उनकी जो मांगे थी उस पर हामी भरी जाएगी। और भी जो उनकी छोटी छोटी मांगे, तमाम मांगे आज उनके सम्मेलन में पूरी होंगी। और खास तौर से लाल परेड ग्राउंड पर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में पंचायत सचिव आएंगे, क्योंकि पंचायत सचिवों के ऊपर ग्रामीण स्तर पर जिला पंचायत का बहुत बड़ा दायित्व, पंचायत का बहुत बड़ा दायित्व होता है, उसके कार्यक्रमों का बहुत दायित्व होता है। तो इन्हें अभी चुनावी साल में सरकार नाराज नहीं करना चाहती है। चौथी बात अगर हम करें तो कमलनाथ हमलावर हो रहे हैं सरकार के ऊपर। आज ही उनका ट्वीट आया है कि आंगनबाड़ी, खासतौर से जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको ड्रेस नहीं दी जा रही है सरकारी स्कूलों में, उनकी उपेक्षा की जा रही है। ये कह लें कि चुनावी साल है तो सरकार के ऊपर विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है और इस तरह से जो हमला होता है वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक माइलेज लेने का एक तरीका हो सकता है। श्रुति जी, प्रिंस, पंचायत सचिवों का सम्मेलन होगा और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे और घोषणा भी कर सकते हैं, किन किन चीजों को लेकर वो घोषणा कर सकते हैं? श्रुति, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी प्रिंस जी, पंचायत सचिवों का सम्मेलन होगा और मुख्यमंत्री इसमें घोषणा भी करेंगे, क्या क्या घोषणा कर सकते हैं? जी प्रिंस जी, सुन नहीं पा रहे हैं।